अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं निमरा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कार्बन प्राइस के मुखालफिन ने बेहतर ख्यालात पेश नहीं किए। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना है कि तमाम सूबों और इलाकों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। गलत फहमी को दूर करना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका ने पर्दे के पीछे कनाडा से दरख्वास्त की कि वो उनरवा की हिमायत जारी रखे। कैनेडियन वजीर अहमद हुसैन का कहना है कि कनाडा ने एजेंसी को 25 मिलियन डॉलर की अदायगी के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। आर्जी बंदरगाह तक इमदाद पहुंचाने के लिए भी काम कर रहे हैं। शाम में कैद 4 कैनेडियन अफराद की सुप्रीम कोर्ट से नज़रसानी की दरख्वास्त। वकला का कहना है कि इंतहाई गैर मामूली हालात दरख्वास्त पर एक और नज़र डालने की जमानत देते हैं। कैनेडियन शहरियों को शदीद भीड़ और गैर महफूज हालात में कैद किया गया है। फ्रॉड केस, अमरीकी अदालत की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा रिलीफ मिल गया। ट्रंप को 175 मिलियन डॉलर का बॉन्ड 10 रोज में अदा करने की मोहलत। ट्रंप का मुकर्रा वक्त में 175 मिलियन डॉलर जुर्माने की अदायगी का ऐलान। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ट्रूडो का कहना है कि कार्बन की कीमत के बारे में शिकायत करने वाले वज़राए-आला ने बेहतर ख्यालात पेश नहीं किए। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म ट्रूडो का कहना है कि कार्बन की कीमत के बारे में शिकायत करने वाले वज़राए आला ने बेहतर ख्यालात पेश नहीं किए। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो उन वज़राए आला के ख़िलाफ़ पीछे हट रहे हैं जो उनसे वफाकी कार्बन की कीमत में आइंदा इजाफे को मनसूख करने के लिए कह रहे हैं। ये कहते हुए कि उन्होंने मौसमियाती तब्दीली से लड़ने के लिए बेहतर ख्यालात तजवीज़ नहीं किए हैं। साथ सूबाई रहनुमाओं के जवाब में ट्रूडो ने कहा कि आखिरी बार जब उन्होंने 2022 में इस मसले पर बात की थी तो उनकी हुकूमतों ने या तो मुतबादल हल तजवीज़ नहीं किए थे या अखराज को कम करने के लिए वफाकी मयारात पर पूरा ना उतर सके। खत में कहा गया है कि हमने वाज़ेह कर दिया है कि हम किसी भी और तमाम सूबों और इलाकों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं जो अपनी कीमतों का निज़ाम कायम करना चाहते हैं जब तक कि वो कौमी मयार पर पूरा उतरें या उससे जायद हों। अल्बर्टा, सैस्केचुआन, ऑन्टेरियो, न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, नोवा स्कॉटिया और न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर के प्रीमियर्स ने ट्रूडो से 1 अप्रैल को मनसूबा बंद इजाफा तर्क करने को कहा। कार्बन की कीमत 15 डॉलर फी टन बढ़ने के लिए तैयार है। इस इजाफे से 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 3 सेंट का इजाफा मुतवक्के है। रहनुमा महंगाई और ज़िंदगी की बुलंद कीमत को सुस्त होने की वजूहात बनाते हैं। ज़्यादातर लोगों ने इस मामले पर हाउस ऑफ कॉमन्स कमेटी के सामने गवाही देने की भी दरख्वास्त की है। ट्रूडो ने अपने खत में कहा कि इस गलत फहमी को दूर करना बहुत ज़रूरी है कि कनाडा का कार्बन कीमतों का तयन करने वाला निज़ाम महंगाई का एक अहम महारिक है क्योंकि इसमें बहुत से अवामिल कार फरमा है। बैंक ऑफ कनाडा के मुताबिक कार्बन की कीमत सिर्फ सालाना अफरात ज़र के 0.1% के लिए ज़िम्मेदार है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत उन सूबों के साथ काम करने के लिए तैयार है जो कार्बन की कीमतों के तयन के लिए एक काबिल एतमाद निज़ाम फराहम करते हैं जब तक ये वफाकी मयारात पर पूरा उतरता है। हम काबिल एतमाद निज़ामों के लिए तजावीज़ के लिए खुले रहते हैं जो आलूगी की कीमतों में आपके इलाकों की मुनफरद हकीकतों की अक्कासी करते हैं और कौमी मयार पर पूरा उतरते हैं।
कनाडा के बैनुल अक्वामी तरक्की के वजीर अहमद हुसैन का कहना है कि अक्वामे मुत्तहेदा में अमरीका के सफीर ने गुज़िश्ता माह कनाडा से दरख्वास्त की थी कि वो फ़लस्तीनियों के लिए अक्वामे मुत्तहेदा की इमदादी एजेंसी की माली इमदाद जारी रखे। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के बैनुल अक्वामी तरक्की के वजीर अहमद हुसैन का कहना है कि अक्वामे मुत्तहेदा में अमरीका के सफीर ने गुज़िश्ता माह कनाडा से दरख्वास्त की थी कि वो फ़लस्तीनियों के लिए अक्वामे मुत्तहेदा की इमदादी एजेंसी की माली इमदाद जारी रखे। जनवरी में कनाडा उन 16 ममालिक में से एक था जिन्होंने इसराइल की जानिब से इस इल्ज़ाम के बाद तंजीम के लिए फंड्स को रोक दिया था कि उसके एक दर्जन कारकुनों ने 7 अक्टूबर को इसराइली सरजमीन पर हमास के हमलों में हिस्सा लिया। लेकिन इस माह के शुरू में हुसैन ने ऐलान किया कि कनाडा की जानिब से इल्ज़ाम पर अबूरी रिपोर्ट तक रसाई के बाद कनाडा मशरिक़ वस्ती में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक्वामे मुत्तहेदा के रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को तयशुदा अदायगी के साथ आगे बढ़ेगा। ये फैसला हुसैन की अक्वामे मुत्तहेदा में अमरीकी मंदूब लिंडा थॉमसन ग्रीनफील्ड से मुलाकात के तकरीबन 2 हफ्ते बाद सामने आया। हुसैन ने कहा कि उन्होंने कनाडा पर जोर दिया कि अनरवा से अलग ना हो। वजीर ने एक हालिया इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने हमसे दरख्वास्त की कि अनरवा से मुंसलिक रहें और अनरवा को वो मदद फराहम करें जिसकी उसे ज़रूरत है। इस लाइफलाइन को तस्लीम करते हुए जो अनरवा फ़लस्तीनियों को फराहम करता है, अमरीका बरसों से अनरवा का सबसे बड़ा माली मुआवन रहा है जिसने 2022 में 343 मिलियन अमरीकी डॉलर भेजे। इसने इल्ज़ाम के बाद 26 जनवरी को अपनी फंडिंग रोक दी। हुसैन ने कहा कि कनाडा ने एजेंसी को 25 मिलियन डॉलर की अदायगी के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। कनाडा बैनुल अक्वामी शराकत दारों के साथ एक आर्जी बंदरगाह तक इमदाद पहुंचाने के लिए भी काम कर रहा है जिसकी तामीर में अमरीका मदद कर रहा है। बाइडन ने इस माह के शुरू में अपने स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में इस मंसूबे का ऐलान किया था। शाम में जेर हिरासत 4 कैनेडियन मर्द कनाडा की सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो ऐसी समाअत के लिए दरख्वास्तों पर नज़रसानी करे जिससे उनकी आज़ादी का दरवाज़ा खुल सके। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। शाम में जेर हिरासत 4 कैनेडियन मर्द कनाडा की सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो ऐसी समाअत के लिए दरख्वास्तों पर नज़रसानी करे जिससे उनकी आज़ादी का दरवाज़ा खुल सके। नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल कोर्ट ऑफ अपील के फैसलों के मर्दों के चैलेंज को सुनने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि कनाडा कानून के तहत उन्हें वापस लाने का पाबंद नहीं है। अपने मामूल के मुताबिक अदालत ने इस वक्त मामले की जांच करने से इनकार करने की कोई वजह नहीं बताई। सुप्रीम कोर्ट में दायर करदा एक ताज़ा नोटिस में मर्दों के वकला का कहना है कि इंतहाई गैर मामूली हालात अपील के लिए इजाज़त की दरख्वास्त पर एक और नज़र डालने की जमानत देते हैं। हिरासत में लिए गए कैनेडियन उन बहुत से गैर मुल्की शहरियों में शामिल हैं जो कुर्द फोर्सेज के जेर इंतज़ाम हिरासती मराकज में हैं जिन्होंने जंग से तबाह हाल इलाके को अस्करियत पसंद ग्रुप इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड दी लिवेंट से दोबारा हासिल कर लिया था। कैनेडियन मर्दों में से एक जैक लेट्स 9 उम्री में ही एक अकीदतमंद मुसलमान बन गया। छुट्टियों पर उर्दन गया, फिर शाम में जाने से पहले कुवैत में तालीम हासिल की। दीगर तीनों की शनाख्त अवामी तौर पर मालूम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में असल दरख्वास्त में मर्दों के वकला ने कहा कि उनके मौक्लों को बगैर किसी इल्ज़ाम या मुकदमे के कई सालों से मनमानी तौर पर हिरासत में रखा गया था। उन्हें शदीद भीड़ और गैर महफूज हालात में कैद किया गया है। कम से कम एक कैनेडियन को 30 दीगर मर्दों के साथ 6 अफराद के लिए बनाए गए सेल में रखा गया है। उनके पास मुनासिब खुराक और तिब्बी इमदाद की कमी है और दरख्वास्त गुजारों में से एक ने कैनेडियन हुकूमत के अहलकारों को इत्तला दी कि उस पर तशद्दुद किया गया है। वकला ने कहा कि मर्दों के गैर मुल्की जेलर उन्हें रिहा कर देंगे अगर कनाडा दरख्वास्त करे और उनकी वतन वापसी में सहूलत फराहम करे जैसा कि उसने कुछ कैनेडियन खवातीन और बच्चों के लिए किया था। नए दायर किए गए नोटिस में वकील का कहना है कि अदालत उज़्मा के लिए एक आईनी लाजमी है कि वो किसी केस की समाअत के लिए रजामंद हो जाए जब शवाहिद बुनियादी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर मबनी अवामी अहमियत के मसाइल को जाहिर करते हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अदालत की जानिब से फ्रॉड केस में बड़ा रिलीफ मिल गया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अदालत की जानिब से फ्रॉड केस में बड़ा रिलीफ मिल गया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्रॉड केस में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को रिलीफ देते हुए अदालत ने 464 मिलियन के बजाय 175 मिलियन डॉलर जुर्माना अदा करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत की जानिब से साबिक अमरीकी सदर को 175 मिलियन डॉलर का बॉन्ड 10 रोज में अदा करने की मोहलत दी गई है। अदम अदायगी पर ट्रंप के असासे जब्त और बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाएंगे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने असासों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद होने से बचाने के लिए अदालती फैसले के मुताबिक मुकर्रर वक्त में 175 मिलियन डॉलर जुर्माने की अदायगी का ऐलान कर दिया है।
टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान निमरा कवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।